Good morning, students. Let's see our another chapter from First Flight, the 100 Dresses. Vanda, who claims to have 100 dresses, her classmates had made fun of her because what she claims is in contradiction to the fact that she was always seen wearing the same dress. Her classmates found her name to be funny. It was because everyone had easier names than Vanda Pretonsky. Her name was different because she was a Polish immigrant who had come to an American town with her family. तो द 100 ड्रेसेस पार्ट वन जो है वेंडा नाम की लड़की जो है उसके ऊपर है, जो क्लेम करती है उसके पास 100 ड्रेसेस है, लेकिन उसके क्लासमेट जो है उसके ऊपर मजाक बनाते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि तुम हमेशा जो हो सेम ही ड्रेस पहन के आती हो, और उसके नाम का भी जो है मजाक बनाते रहते हैं, क्योंकि हर एक का नाम जो है बहुत ईजी था, लेकिन वेंडा का जो नाम था वो था वेंडा प्रेटोंस्की, क्योंकि वो पॉलिश जो है वो वहाँ से आई हुई थी माइग्रेट होकर अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ. सी वॉज पुअर एंड डिडंट हैव मैनी फ्रेंड्स. सी वॉज क्वाइट एंड वॉज ऑलवेज सीन सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम. द ट्रूथ अबाउट द 100 ड्रेसेस अनइनवेलेंट व्हेन सी सबमिटेड हर 100 ड्राइंग्स इन अ ड्राइंग कॉन्टेस्ट. तो वो गरीब लड़की थी और उसका कोई फ्रेंड नहीं था, और वो बहुत चुपचाप रहती थी और कॉर्नर में बैठा करती थी क्लासरूम में. और एक सच बात ये थी कि जो 100 ड्रेसेस जो थे वो उसका रास्ता तब खुलता है जब वो ड्राइंग कंपटीशन में, ड्राइंग कॉन्टेस्ट जो होता है उसमें 100 ड्राइंग्स जो है सबमिट करती है. दे वर द सेम ड्रेसेस की वो बात कर रही थी, वही सारे 100 ड्रेसेस उसने उसमें बनाए थे और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे. दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ गर्ल नेम्ड वेंडा प्रेटोंस्की एंड हर क्लासमेट्स पेगी एंड मैडलाइन हु हैड फन ऑफ हर. द प्लॉट ऑफ द स्टोरी ओपन्स अप ऑन मंडे. इवन पेगी एंड मैडलाइन डिडंट नोटिस दैट वेंडा वॉज नॉट प्रेजेंट. दिस वर द गर्ल्स हु बिगेन ऑल द टेसिंग. Tissing Vanders generally used to sit in the corner of the classroom where the not so academically brilliant and loud guys sat. It was that part of the classroom which was the dirtiest, but Vanda wasn't like those boys. She was silent to the extent that nobody had ever seen her laugh. तो स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो पूरी स्टोरी जो है वो घूमती है वेंडा प्रेटोंस्की और उसके क्लासमेट पेगी और मैडलाइन के ऊपर, क्योंकि वो उसका मजाक उड़ाते रहते थे. और जो प्लॉट जो है स्टोरी का वो ओपन तब होता है मंडे को जब पेगी और मैडलाइन जो है वो नोटिस करते कि वेंडा जो है वो प्रेजेंट नहीं है, और हर लड़की जो है उसको टीसिंग करती रहती, तंग करने के लिए रेडी रहती थी. वेंडा जो है जनरली जो एक क्लासरूम के कॉर्नर में बैठा करती थी जहाँ पर कोई भी ब्रिलियंट स्टूडेंट जो होते वो नहीं बैठा करते थे, और वहाँ पे जो लड़के बैठा करते थे वो हमेशा चिल्लाया करते थे, और क्लासरूम का जो पार्ट जो था वो थोड़ा डर्टी था, और वेंडा जो है उन लोगों को, उन लड़कों को लाइक नहीं करती थी, उन लड़कों को लड़के उनसे अच्छे नहीं लगते थे, और वो हमेशा साइलेंट रहती थी, और कभी भी आज तक उसने किसी ने भी उसकी हंसने की आवाज़ नहीं सुनी थी, या किसी ने भी उसे हंसते हुए आज तक देखा नहीं था वेंडा को. Guesses that it is because she came from Boggins Heights and her shoes were usually dirty with all the mud. तो वेंडा जो है वो उन लड़कों जैसी नहीं थी, और जो है वो लोग समझ नहीं पा रहे थे वो लोग कि वो हमेशा वहाँ पे कॉर्नर में क्यों बैठा करती थी. और ज़्यादातर जो guesses किए गए थे वो ये था कि हो सकता है क्योंकि वो बॉगिन हाइट से आई हुई है, उसके शूज़ जो है बहुत डर्टी है क्योंकि वो मिट्टी में ख़राब हो गए थे. पीपल हार्डली नोटिस्ड हर इन द क्लासरूम एज शी वाज साइलेंट एंड अलोन ऑल द टाइम. तो लोग जो है उसे तब नोटिस करते थे हार्डली जब क्लासरूम में वो साइलेंट होती थी और पूरे दिन अकेली होती थी.
It was only before or after school hours when groups of kids used to wait for her to mock her that they thought of her. Some used to wait even at the cost of getting late for school. तो स्कूल आने से पहले और स्कूल जाने के बाद का जो समय जो होता था, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो होते थे वो वेट करते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए, जब भी उसके बारे में सोचा करते थे, और कुछ वेट करते थे जब भी वो स्कूल लेट आया करती थी तब. द फैक्ट दैट वेंडा वॉजंट प्रेजेंट ऑन ट्यूजडे एज वेल गॉट अननोटिस. तो मंडे ट्यूजडे का टाइम आया जब वेंडा वापस से प्रेजेंट नहीं थी और वो अननोटिस किया गया था. बट इट वॉज ऑन वेनसडे वैन मेरी एंड पैगी नोटिस हर एबसेंस. It was also then when they waited before school to make fun of her, but instead ended up getting late because she didn't show up. और suddenly Wednesday को भी ऐसा हुआ कि वो वापस है वेट करते थे ताकि उसका मजाक उड़ा सके, लेकिन उससे उसकी जगह उन्होंने जो है वो लेट हो रहे थे इसलिए उन्होंने फिर शो अप नहीं किया, वो वहाँ से निकल गए. पैगी वॉज द मोस्ट फेमस गर्ल हु वॉर गुड एंड टीडी क्लोथ्स. तो पैगी जो है बहुत फेमस लड़की थी और वो जो कपड़े पहना करती थी वो बहुत ही अच्छे होते थे, वो टीडी क्लोथ्स होते थे. शी सैट विथ द टॉपर्स ऑफ द क्लास. तो वो टॉपर्स जो होते थे उनके संग बैठा करती थी क्लास में. नो वन एवर गॉट curious about why Wanda was no longer coming to school. तो जितने भी लोग जो थे, जितने भी students थे, वो इतने curious नहीं थे ये जानने के लिए कि Wanda school इतने time से क्यों नहीं आ रही. All they carried was they couldn't make fun of her. लेकिन वो ये सोच रहे थे कि उसके ना आने से वो उसका मजाक नहीं उड़ा पा रहा. Wanda was Paul who had immigrated to America. Her fellow classmates thought that Wanda Pretonsky was a strange name because they had simpler and easier American names, except a guy named Willie Bounce, which they thought sounded funny but still lesser than Pretonsky. तो Wanda जो है वो पोल से माइग्रेट होकर अमेरिका आई हुई थी और उसके क्लासमेट जो है वो सोचा करते थे कि वेंडा प्रोटोन्स्की कितना स्ट्रेंज नाम है, क्योंकि अमेरिका के बहुत अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनके कितने इजी और सिंपल नाम होते हैं. जैसे कि अगर हम नाम ले तो किसी गाय का, तो विली बाउंस जो कि सोचने में भी और सुनने में कितना अच्छा लगता है, और वही चीज़ जो वेंडा प्रोटोन्स्की का अगर नाम सुने तो कितना खराब लगता है, वो कितना फनी लगता है प्रोटोन्स्की सरनेम. They found her name to be long and unfamiliar भी है. This shows that those children didn't understand diversity and whatever they did was done out of thoughtlessness. तो वो जो लड़के थे, वो बच्चे जो थे, वो लोग जो थे, वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि एक्चुअल में जो वो चीज़ वो सोच रहे वो थॉटलेसनेस है. हर एक का नाम जो है सिमिलर और ईजियर नहीं होता है, क्योंकि वो पोल से माइग्रेट होके आई थी, वो पॉलिश गर्ल थी, इसलिए उसका नाम वेंडा प्रोटोन्स्की था जो कि डिफरेंट था हर एक से. और अमेरिका में जो नाम थे स्टूडेंट्स के वो थोड़े ईजियर हुआ करते थे. Wanda was usually seen wearing a faded blue dress that didn't fit her properly. तो Wanda जो usually जो dress पहना करती थी वो faded blue dress होता था जो कि fit नहीं होता था उस पर उससे properly. Though clean, it used to look un-ironed. थोड़ा बहुत clean तो दिखता था लेकिन un-ironed दिखता था, जो कि press नहीं हुआ होता था. This shows that Wanda belonged to a poor family who couldn't afford too many dresses. तो ये चीज़ शो करता था कि वेंडा जो है वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और उसके इतने पैसे नहीं है कि वो यानी उतना एफर्ड नहीं कर सकती ज़्यादा ड्रेसेस का. आयरनिकली अ लॉट ऑफ पीपल टॉक टू हर बट शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बिकॉज ऑल ऑफ देम टॉक टू हर इन ऑर्डर टू मेक फन ऑफ हर. तो बहुत से लोग जो उससे बात करना चाहते थे लेकिन वो उसके ज़्यादातर फ्रेंड्स नहीं थे. क्यों? क्योंकि हर कोई जो है उससे बात करता था तब जब उसका मजाक उड़ाना होता था. फ्रॉम हर टेल अबाउट 100 ड्रेसेस टू हर अनफेमिलियर नेम दे फाउंड इट ऑल अम्यूजिंग.
when she used to watch little girls playing the तो अगर हम 100 ड्रेसेस की बात करें तो एक तरह से अनफैमिलियर नेम लग रहा था, जो कि सुनने में भी अम्यूजिंग लग रहा था। और वो ज़्यादातर जो है लड़कियों को देखा करती थी, जो कि ग्राउंड में खेला करती थी। और उसी टाइम पे जो है दूसरे स्टूडेंट जो है वो उसका मजाक उड़ाया करते थे। विथ नो इंटेंशंस ऑफ हर्टिंग हर, पैगी यूज्ड टू आस्क द नंबर ऑफ ड्रेसेस वेंडा हैज इन अ पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टोन। तो उसको हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, तो पैगी ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कितने नंबर ऑफ ड्रेसेस है, बहुत ही पोलाइटली और रिस्पेक्टफुल टोन में। दे मेड फन ऑफ हर बिकॉज दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई शी मेड अप दैट स्टोरी अबाउट 100 ड्रेसेस। तो वो उसका मजाक उड़ाना चाहते थे क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि उसने स्टोरी ऐसी क्यों बनाई जिसमें उसने ये कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। दे डिड ऑल दिस वाइल बींग इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट दैट इट कुड हर्ट हर। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया, ये जानते हुए कि उसे हर्ट होगा। नो वन वुड बिलीव हर व्हेन शी सेड शी प्रोसेड 100 ड्रेसेस लाइंड अप इन हर क्लोस्ट। तो किसी ने भी ये बिलीव नहीं किया कि उसके पास 100 ड्रेसेस है जो उसने अपने कबर्ड में जो है लाइन वाइज रखे हुए। एज द अदर गर्ल स्क्रीम्ड इन एस्टोनिशमेंट द लिटल गर्ल वुड स्टॉप प्लेइंग इन ऑर्डर टू सी वॉट वॉज गोइंग ऑन। तो दूसरी लड़कियाँ जो है वो शॉक के मारे जो है वो स्क्रीम यानी चीखने लगी, जिस तरह से मीन्स वो और वो ये देखने के लिए आ गए कि एक्चुअल में हो क्या रहा था। वेंडा वुड फ्रेम देयर क्यूरियस दैट शी हैड ड्रेसेस मेड ऑफ वेलवेट एंड सिल्क टू। तो वेंडा जो है उसने ये बताया कि उसका जो ड्रेसेस है वो वेलवेट और सिल्क से बनी हुई है। Sadly, after she left, they all used to laugh at her. उसके बाद जब वो वहाँ से गई उदास होकर तो सब उसके ऊपर हंसने लगे। It was hard to believe what Wanda said because the only dress she was seen wearing was the blue one that was spread. तो hardly believe करना एक तरह से hard था ये believe करना Wanda को, क्योंकि वो हमेशा एक ही dress जो है पहना करती थी ब्लू कलर का, जो कि फेडेड हो चुका था, जिसका रंग निकल चुका था। नो वन वॉज श्योर एज टू वाई शी लाइड। और कोई भी ये श्योर नहीं कर पाया था कि वो ऐसा झूठ क्यों बोल रही है। ऑल्दो दे वर टिसिंग हर, दे वर नेवर रूड टू हर। हर कोई जो है टंग करता था उसे, लेकिन कभी कोई उससे रूडली बिहेव किसी ने नहीं किया था। Thus, in the same tone, they continued asking her about the number of shoes she said she had to which she replied 60 each pair different. तो हर कोई जब same tone में उससे पूछता था कि तुम्हारे पास कितने number of shoes है, तो वो हमेशा एक ही चीज़ कहती थी कि मेरे पास 60 pair हैं अलग अलग different के। It was Peggy's idea to embrace her like that, though she was polite. तो ये पैगी का आइडिया था कि उसे तंग किया जाए, उसे नीचे दिखाया जाए जब वो पोलाइट होती थी। वाइल वेंडा वुड गो बैक और अलोन विथ हर डल आईज एंड बिहेव इन अ स्ट्रेंज वे। तो पैगी और मैडी जो थी वो उसकी इतनी बेस्ट फ्रेंड तो नहीं थी, लेकिन उसने थोड़ी बहुत दोस्ती रखी हुई थी। और जैसे स्कूल ख़त्म होने के बाद वेंडा उनके संग जाती थी, वो तो वो अकेली जाया करती थी और उसकी आंखें जो है वो नीचे रहा करती थी और वो लोग स्ट्रेंज वे में उससे बातें किया करते थे। पैगी वॉजन द मीन गर्ल शी हैड बीन पोर्ट्रेट एज अंटिल नाउ। शी सेव्ड किड्स फ्रॉम हूएवर was hurting them and couldn't stand animals getting badly treated. तो पैगी जो है वो इस तरह की लड़की नहीं थी जो कि किसी को भी पॉइंट आउट करे, लेकिन
वो हमेशा जो है किसी न किसी को हर्ट किया करती थी, और एक तरह से जो है जैसे किसी एनिमल को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है ख़राब तरीके से, वैसे वो वेंडा को भी ट्रीट किया करती थी। अकॉर्डिंग टू हर सी वॉज नॉट बींग रूड टू वेंडा। तो वो वेंडा से अगर उसकी बात की जाए अकॉर्डिंग टू हर, तो वेंडा पे ज़्यादा वो रूडली बिहेव नहीं करती थी, लेकिन हाँ उसको टंग जरूर किया करती थी, उसके पीठ पीछे बातें किया करती थी और उसका वेट करती थी ताकि उसका मजाक उड़ाया जा सके। सी थॉट इट वॉज वेरी वियर्ड ऑफ वेंडा टू लाई अबाउट द नंबर ऑफ ड्रेसेस ही प्रोसेस्ड, एंड इफ एनीथिंग वॉज वियर्ड इफ इट वॉज हर नेम। तो एक चीज़ जो सोचा करती थी वो ये था कि वेंडर कितना झूठ बोल रही है कि उसके पास नंबर ऑफ ड्रेसेस है, और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा उस खराब करती थी, वियर्ड करती थी उनको, वो थी कि उसका नाम। नो मैटर हाउ मच दे टीज्ड वेंडा, दे नेवर मेड हर क्राई। कोई चीज़ ऐसे मैटर नहीं करती थी, चाहे वो कितना भी उसको क्यों ना तंग द नंबर ऑफ क्लोथ्स एंड एसेसरीज वेंडा प्रोसेस्ड, नॉट बिकॉज सी केयर्ड अबाउट हर बट बिकॉज सी वॉज पुअर हर सेल्फ। तो मैडी जो है वो उसके आइडिया को जो है लाइक नहीं करती थी, और उसका जो है मस्ती किया करती थी कि वो ये कह रही है कि उसका नंबर ऑफ क्लोथ्स है और उसके पास एसेसरीज है, और वो इस चीज़ की केयर नहीं करती थी क्योंकि वो पुअर थी। सी वॉर क्लोथ्स दैट वर गिवन टू हर बाय समवन एल्स। तो वो कपड़े पहना करती थी जो किसी और ने उसको दिए होते थे। बट सी वॉजंट एज पुअर एज वेंडा, सी डिडंट लिव इन। लेकिन वो वेंडा जैसी पुअर नहीं थी, और वो बोगिन हाइट्स एंड डिडंट इवन हैव अ वर्ड नेम। वो बोगिन हाइट्स में भी नहीं रहती थी, और उसका इतना अजीब और गरीब नाम भी नहीं था। Mary didn't feel very comfortable testing Wanda, and when Peggy used to ask Wanda those questions, she would silently count the marbles in her hand, pretending to play with them. तो मैडी जो है वो कम्फर्टेबल फील नहीं करती थी जब भी वो मैडा को वेंडा को जो है तंग किया करती थी, और जब भी पैगी उससे क्वेश्चन पूछा करती थी तो वो साइलेंटली जो है मार्बल्स जो अपने हाथों में लेके काउंट किया करती थी और उसके संग खेला करती थी। If that dress game hadn't been inverted, Maddie would have never known about the very existence of Wanda. अगर वो ड्रेस की गेम नहीं इवेंट हुई होती तो मैडी जो है वो कभी भी नहीं जान पाती वेंडा की एक्सिस्टेंस को। She felt uncomfortable not वो क्या फील कर, वो अनकंफर्टेबल इसलिए फील नहीं कर रही थी क्योंकि वो उसकी केयर करती थी, लेकिन क्यों, क्योंकि वो उसकी केयर नहीं करती थी इसलिए नहीं, क्योंकि वो वरिड थी कि उसके बाद उसका नंबर आ सकता है, क्योंकि वो वेंडा की भी केयर करती थी, और उसे ये भी मालूम था कि मैडी जो है वो खुद दूसरों के कपड़े पहन रही है, तो हो सकता है नेक्स्ट नंबर उसका हो। ऑल्दो सी वाज़न्ट senseless enough to say she had 100 dresses, she still wished that Peggy didn't tease Wanda. तो एक तरह से senseless जो हम कह सकते हैं वो था, क्योंकि उसने ये कहा था कि उसके 100 dresses है, और Peggy जो है वो यही wish कर रही थी कि वो Wanda को tease ना करे। Wanda didn't come that day, and after having waited for her so long, तो वेंडा उस दिन नहीं आया, वो उसका बहुत समय से जो है वो उसका वेट कर रहे थे। मैडी एंड पैगी गॉट लेट फॉर स्कूल, तो मैडी और पैगी जो है वो स्कूल के लिए लेट हो रहे थे। मैडी वॉज सीक्रेटली हैप्पी दैट दे कुड नॉट गेट अ चांस टू मेक फन ऑफ वेंडा। मैडी जो है वो सीक्रेटली जो है हैप्पी थी, क्योंकि वो उसे चांस नहीं मिल पाया था कि वो वेंडा का मजाक बना सके। सी वॉज लॉस्ट इन हर ओन थाट्स एंड कुडंट स्टडी प्रॉपरली। तो वो अपने खुद के थाट्स में खो गई थी, और वो स्टडी भी प्रॉपरली नहीं कर रही थी। ऑल दिस टाइम सी कीप थिंकिंग अबाउट राइटिंग अ नोट टू पैगी टेलिंग हर टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वेंडा, विच शी डिड राइट आफ्टर फिनिशिंग।
arithmetic. तो वो बार बार जो है स्टॉप कर रही थी कि उसका मजाक नहीं उड़ाया जाए वेंडा का, विच शी डिड राइट, जो कि वो लिखी जाई थी आफ्टर फिनिशिंग अर्थमेटिक. तो मैथमेटिक्स का जो था अर्थमेटिक वो फिनिशिंग करने के बाद. शी वॉन्टेड टू राइट अ नोट बिकॉज शी न्यू शी डिडेंट हैव द गर्ड्स टू से इट ऑन हर फेस. तो वो जो है सिर्फ लिख सकती थी क्योंकि उनके में इतना गर्ड्स नहीं था कि वो उसके फेस के ऊपर कुछ कह सके वेंडा के. While writing the note to Peggy, Mary shocked at the imagination of her being a new target for Peggy and the girls. तो पैगी का जो नोट लिख रही थी तो तभी मैडी जो है वो शॉक हुई और इमेजिनेशन करने लगी कि नया टारगेट जो है वो पैगी और गर्ल्स के लिए होगा. शी वॉज अफेयर दैट दे वुड आस्क वेयर शी गॉट दैट ड्रेस फ्रॉम. और वो इस बात से भी डरी हुई थी कि हो सकता है वो उससे पूछे कि ड्रेस कहाँ से ली है, विच वॉज एक्चुअली पेगीज, जो कि पेगी की थी. मेरीज मदर गॉट इट ट्रांसफॉर्म विथ न्यू लेसेस एंड रिबन सो दैट नन ऑफ हर क्लासमेट कुड आइडेंटिफाई इट. तो मेडी की मम्मी ने क्या किया था कि नए लेसेस और रिबन्स लगा दिए थे जिस वजह से क्लासमेट जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि वो पैगी की ड्रेस है. शी विश्ड पैगी स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा ऑन हर ओन. तो उसने पैगी से विश किया कि वो उसका वेंडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे उसके ऊपर. सडनली शी रेन हर हैंड थ्रू हर हेयर एज अ ग्रेस्चर टू ड्राइव ऑल अवे दोज थॉट्स. उसके बाद जो है उसने सडनली अपने हाथों को अपने बालों के ऊपर फेरा और उस तरह से उसने जो है तो पैगी जो है वो मोस्ट लाइक गर्ल है इस रूम की, हर बेस्ट फ्रेंड एंड सो उसके बेस्ट फ्रेंड और बाकी से कुडन बी रॉन्ग, तो वो गलत नहीं हो सकते. दस शी टोर एंड थ्रू दैट नोट अवे. शी वॉज ऑल्सो अफेयर्ड ऑफ लूजिंग हर फ्रेंड पैगी. और उसके बाद वो रोने लगी, उसके बाद जो नोट्स जो थे उसने उसको फेंके और उसके बाद वो डर गई थी कि अपने दोस्त पैगी को उसने खो दिया है. आफ्टर मैडी हैड क्लियर हर थॉट्स अबाउट कन्फेसिंग टू पैगी, शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वेंडा. उसके बाद मैडी ने जो है सारी चीज़ें अपने थॉट्स को क्लियर किए, कन्फेंस किया पैगी के सामने और उसके बाद फिर वो वेंडा के बारे में सोचने लगी. शी थॉट दैट वेंडा वॉज जस्ट अनदर गर्ल लिविंग इन बोगिन्स हाइट्स हु हार्डली स्पोक टू एनीबडी. उसके बाद ये सोचने लगी कि वेंडा जो है वो सिर्फ एक लड़की है जो कि बोगिन्स हाइट्स में रहती है और हार्डली वो किसी से बात करती है. She remembers when Wanda talked about her pearl blue dress and jungle green dress paired with a red sash. और वो एक और चीज़ सोचने लगी कि Wanda जो है अपने ब्लू ड्रेस और जंगल ग्रीन ड्रेस पेड के बारे में जो रेड सेश जो उस पर लगा होता है उससे बात उनसे रिलेटेड जब बात करती है. द गर्ल्स मेड फन ऑफ हर बाय सेइंग दैट सीड रादर लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट ड्रेस. तो लड़कियाँ जो उसका मजाक उड़ाती रहती ये कह के कि वो बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह लगती जब वो ड्रेस पहनती हैं. वाइल थिंकिंग अबाउट वेंडा, तो वेंडा के बारे में सोचते हुए मैरी बिगेन थिंकिंग अबाउट द ड्राइंग कॉन्टेस्ट इन विच द बॉयज हैड टू डिज़ाइन मोटर बोट्स एंड गर्ल्स हैड टू डिज़ाइन ड्रेसेस. वेंडा के बारे में सोचते हुए बोट डिज़ाइन किया और लड़कियों ने ड्रेसेस बनाए. पैगी वॉज द ओबियस विनर ऑफ दैट कॉम्पिटिशन बिकॉज ही वॉज द बेस्ट आर्टिस्ट इन द रूम. तो पैगी जो है वो ओबियसली जो है विनर होने वाली थी इस कॉम्पिटिशन की क्योंकि वो बहुत ही बेस्ट आर्टिस्ट थी इस रूम की. शी कुड कॉपी एग्जैक्ट पिक्चर्स एंड रिकोगनाइजेबल पोर्ट्रेट. तो वो हर चीज़ को जो है उस पिक्चर को जो है कॉपी किया करती थी और पोर्ट्रेट को जो है वो अलग तरीके से रिकोगनाइजेबल करती थी. शी वॉज श्योर दैट पैगी वुड विन एंड रिजल्ट. और मैडी जो है वो बिल्कुल श्योर थी कि पैगी ही विनर बनेगी और रिजल्ट वर टू बी अनाउंस द नेक्स्ट डे व्हेन एवरीवन वुड नो व्हाट्स व्हाट. तो नेक्स्ट डे जो है वो रिजल्ट अनाउंस होगा और सबको मालूम है कि क्या
होने वाला है आगे. द डे व्हेन द रिजल्ट वर टू बी अनाउंस्ड, तो जिस दिन वो रिजल्ट अनाउंस हुआ, इट वॉज रेनिंग लाइटली एंड डज द टू बेस्ट फ्रेंड्स रेन क्विकली टू स्कूल विदाउट वेटिंग फॉर वेंडर. तो थोड़ी सी बारिश हो रही थी और दोनों फ्रेंड जो है जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ भागी बिना वेट किए वेंडर का. जनरली दे यूज टू वेट फॉर हर एट द ओलिवर स्ट्रीट दैट लीड टू बॉगिन्स हाइट्स. जनरली वो उसका ओलिवर स्ट्रीट के वहाँ पे वेट करती जो कि बॉगिन हाइट्स के वहाँ पर है. द प्लेस वेयर वेंडर लिव्ड, वो प्लेस जहाँ पे वेंडर रहती है. बट दे डिडंट वेट दैट डे, तो वो उन्होंने उस दिन उसका वेट नहीं किया. इवन इफ इट वॉजंट रेनिंग दैट डे, अगर उस दिन बारिश नहीं हो रही होती तो दे वुडंट हैव वेटेड फॉर हर, तो भी वो उसका वेट नहीं करते. बिकॉज द डे वॉज क्रूशियल एज द रिजल्ट वर टू बी अनाउंस, क्योंकि उस दिन वो दोनों बेस्ट फ्रेंड एंटर हुए क्लासरूम में. पेगी आस्क्ड मैडी इफ मिस मेंशन मेसन वुड अनाउंस द रिजल्ट्स और नॉट. तो पेगी ने मैडी से कहा कि अगर मिस मेसन ने अगर उस दिन रिजल्ट अनाउंस किया, अगर उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया या नहीं, टू विच मैडी सेड यस. तो मैडी ने उनसे कहा कि हाँ रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो गया. मैडी टोल्ड हर दैट सी बिलीव पेगी वुड विन, बट टू देयर अटमोस्ट सरप्राइज. तो मैडी ने उसको ये कहा कि उसे बिलीव है कि पैगी ही जीतेगी, लेकिन सडनली एक सरप्राइज हुआ. वैन दे एंटर द क्लास, जब वो क्लास के अंदर एंटर हुए, दे वर ड्राॅइंग ऑल ओवर द रूम. तो पूरे रूम में जो ड्राॅइंग ही थी, ब्राइट एंड ब्रिलियंट, दे लेफ्ट एवरी वन इन आओ. तो एक ब्राइट और ब्रिलियंट ड्राॅइंग थी जिसने सबको शॉक्ड कर दिया था. दिस वर द ड्राॅइंग ऑफ द कॉम्पिटिशन फॉर द कॉम्पिटिशन, थी जो सारी ड्राॅइंग थी वो कॉन्टेस्ट की थी. मिस मेसन अनाउंस द विनर्स आफ्टर एवरी वन हैज सेटल्ड. तो मिस मेसन ने जो है विनर्स के नाम लिए जब सब एक अच्छी तरह से सेटल्ड हो गए क्लासरूम में. अमंगस्ट द बॉयज जैक बैगलेस हैड वॉन, तो लड़कों में जो है जैक बैगलेस जो है वो कॉन्टेस्ट जीता. He drew an outboard motor which was displayed in room number 12 along with drawings made by other boys. तो उसने जो है एक outboard motor बनाई थी जो कि डिस्प्ले की गई थी रूम नंबर 12 में बाकी लड़कों ने जो ड्राॅइंग बनाई थी उसके साथ. She then talked about girls' submissions. उसके बाद उन्होंने जो है लड़कियों के सबमिशन के ऊपर बोला. Judges felt that any out of them was worthy to the gold medal. Of the gold medal, Miss Mason very proudly announced Wanda as the winner of the competition. तो उन्होंने एक चीज़ मेंशन की कि एक ऐसी लड़की जिसने 100 डिज़ाइन जो है वो सबमिट किए हैं जो कि इतने ब्यूटीफुल है कि जजेस जो है वो फील कर रहे थे ऐसा कि ये जो है गोल्ड मेडल से ज़्यादा नहीं है. और मिस मेसन ने जो है प्राउडली अनाउंस किया कि वेंडा जो है इस कंपटीशन की विनर है. सी कंटिन्यूड एंड सैडली मेंशन दैट वेंडा हैजंट बीन कमिंग सिंस डेज होपिंग सीड बी देयर द नेक्स्ट डे. तो उन्होंने थोड़ा दुखी होकर ये भी मेंशन किया कि वेंडा जो है कुछ दिनों से कंटिन्यूसली नहीं आ रही, हो सकता है होप कर रहे थे वो कि वो नेक्स्ट डे आएगी. She instruct everyone to look at the flawless collection to which everyone applauded and whistled. तो उन्होंने instruct किया कि हर एक जना जो है उसके जो collection है उसको देखे. तो हर एक ने उसको appreciation दिया और हर एक जो है वो सीटियाँ बजाने लगे. Maddie and Peggy even saw the blue dress that Wanda had talked about. तो मैडी और पैगी जो है उन्होंने उस ब्लू ड्रेस को भी देखा जो कि वेंडा जो है उसके बारे में बोला करती थी. इट वॉज ब्यूटीफुल, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी. पैगी सैंग आई थॉट आई कुड ड्रॉ, तो पैगी ने बोला ऐसा कि वो ऐसा सोच रही थी कि वो ऐसा ड्रॉ करेंगी. विच मीन्स दैट द ड्राॅइंग्स
left her in immense admiration. Oh, या नहीं, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो यहाँ कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्यूरी है या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल बैक कर सकते हैं। और ये चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज़ वेंडा सीन एज डिफरेंट बाय अदर गर्ल्स, हाउ दे ट्रीट हर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज वेंडा फील अबाउट द ड्रेसिस गेम, व्हाई डज शी से दैट शी हैज 100 ड्रेसिस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग, हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पेगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मिस मेशन थिंक ऑफ वेंडस ड्राइंग्स, व्हाट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम, हाउ डू यू नो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द कंपटीशन अबाउट इन द स्कूल। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट इन ईच कैटेगरी, व्हाट हैड दे ड्रॉन। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज एवरीवन इन द क्लास रिएक्ट टू वेंडास ड्राइंग, हाउ डज एवरीवन इन द क्लास रिएक्ट टू वेंडास ड्राइंग। और कन्वर्ट इन टू इनडायरेक्ट स्पीच, फर्स्ट वेंडास, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैव हैंगिंग अप इन योर क्लोज्ड, पेगी आस्क्ड, 100 वेंडा वुड से, 100 exclaim all the little girls incredulously. Second, do you think Miss Mason will announce the winners today, asked Peggy. Oh, I hope so, the minute we get in, said Maddie. Of course, you will win. जो है इनडायरेक्ट स्पीच को आपको कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट भी करना है। थैंक यू।